फाइनली जो है ना भाई क्लासिक 350 लॉन्च हो चुकी है 2024। इसकी जो एक्सोरूम प्राइस है ना अभी स्टील ब्लैक कलर की, एक तरीके से टॉप एंड वेरिएंट समझ सकते हो आप इसको। तो इसकी जो एक्सोरूम प्राइस आपको पड़ेगी ना वो लगभग आपको 2,25,000 के आसपास, और रोड आपको पड़ेगी लगभग 2,57,000 के आसपास। तो अपने स्टेट में ना आप चेक कर लेना भाई, अपनी सिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज्यादा फर्क आपका नहीं रहेगा। तो आज जो है इस वीडियो में डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं, देखने वाले भाई इसमें नई क्या चीजें आई हैं, क्या चीजें हमें रिपीटेड देखने को मिलती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले भी की देखो, उसकी एक बढ़िया सी और प्यारी सी की आती है भाई, जो कि सीरियसली देखने में काफी प्यारी और वेव की आपको मिलती है भाई। तो इसकी के जैसे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ ना भाई, तो यहाँ पे आप देखो भाई कंप्लीट जो है ना भाई चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ्रंट में। इसके अंदर जो है ना एलईडी हेडलाइट आपको मिलेगी, रिफ्लेक्टर लाइट जो है यहाँ पे दी गई है, प्रोजेक्टर वगैरह यहाँ पे नहीं आता। ये लाइट जो है ना आपको मीटियर 6050 में, 650 में भी आपको देखने में मिलती है। तो यहाँ पे लाइट तो एलईडी आ गई, उसी के साथ जो है ना भाई इस बाइक के अंदर अपने को पायलट लैंप्स भी जो एलईडी में देखने को मिलते हैं, उसी के साथ जो इंडिकेटर है वो भी आपको एलईडी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई कंप्लीट एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद भाई यहाँ पे आपको एक फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, अंडर सेक्शन का टायर मिल जाएगा सीएट कंपनी का, डुअल चैनल एबीएस है फ्रंट में भी और रियर में भी, बड़ा सा डिस्क ब्रेक है, बैबरी कंपनी के ब्रेक कैलिपर्स आते हैं या फिर रिफ्लेक्टर वगैरह है, मेटल में आपको मड देखने को मिलेगा और मेटल में ही एक कंप्लीट चेसिंग आपको मिलती है भाई इसकी सस्पेंशन की। तो ओवरऑल भाई ये सारी चीजें आपको अंदर मिलती हैं। उसके बाद बड़ा सा लेग गार्ड आपको मिल जाएगा जो कि एसेसरी का पार्ट है। उसके बाद भी फोन प्लेस की गए नीचे जो है कंप्लीट गार्ड लगा इसके अंदर, ये भी एसेसरीज है इसके अंदर भाई। इनकी जो प्राइस है ना इनकी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद भाई स्टील ब्लैक में क्या था भाई, पहले रेड कलर का कॉम्बिनेशन होता था लेकिन आप कंप्लीट ब्लैक कर दिया और मैट ब्लैक कलर तो ये है ही, तो जो कंप्लीट मैट ब्लैक आपको मिलेगी हर जगह मैट ब्लैक ही है, सिर्फ कहीं कहीं पे ग्लोसी टच मिलेगा जैसे लोगो है भैया, उससे अलावा भाई हर जगह आपको मैट ब्लैक ही मिलेगी। टैंक गार्ड आपको मिल जाएगा 30 लीटर का टैंक है भैया, क्रोम का जो यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा इसकी कैप के ऊपर, बाकी हर जगह मैट ब्लैक का ही यूज किया गया है। अब इंजन के बारे में बताते भाई, इंजन में कोई छेड़खानी की नहीं कई कंपनी, वही 350 cc का 5 गियर इसके अंदर है, एयर कूल्ड इंजन है, 20 PS की पावर, 27 Nm का टॉर्क, इंजन जो है बिल्कुल सेम, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है। रियर ब्रेकिंग आपको मिल जाएगी, रियर फुट रेस्ट, फ्रंट फुट रेस्ट ये सब सेम है भाई, इनमें कोई चेंज नहीं है। क्लासिक 350 की पैचिंग मिल जाएगी, अगेन एक नया लोगो यहाँ पे आया है। उसके बाद भाई सीट यहाँ पे देख लो भाई, स्प्लिट सीट आपको मिलती है, काफी कंफर्टेबल है और काफी मोटी कुछ नहीं भाई इसकी, तो कम्फर्ट वगैरह जो है काफी अच्छा ही आपको मिलेगा, जैसा इनफील्ड जैसा दावा करती है अभी, अच्छा खासा कम्फर्ट दे देगी। अगेन एसएसटी का पार्ट मिल जाएगा। सबसे बढ़िया जो चीज लगी ना भाई मेरे को, कहीं पे भी हैलोजन नहीं बचा, क्लासिक के नाम पे ना आपको हर जगह एलईडी मिलेगी। तो क्लासिक का मतलब होता है मतलब कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुरानी यादें या फिर पुराने टाइप की चीजें, यहाँ पे सिर्फ बॉडी डिजाइन पुराना है बाकी सब कुछ नया भाई। कंप्लीट एलईडी सेटअप यहाँ पे आपको मिलता है आगे भी और पीछे भी, पीछे भी आप देखोगे ना भाई एलईडी लाइट यहाँ पे दे दी गई, एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे आ गए हैं और एक जो साउंड में आपको सुना देता हूँ। रियर में जो है आपको अगेन टायर साइज वगैरह सब कुछ सेम ही मिलने वाला है, अराउंड 120 सेक्शन का आसपास का टायर मिलेगा, वो आप चेकआउट कर लेना भी। बाकी पीछे एडजस्टेबल सस्पेंशन स्प्रिंग वाले सस्पेंशन है। उसके बाद में पूरा साइड गार्ड वगैरह दे रखा है, यहाँ पे साइड स्टैंड आपको मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड दोनों ही स्टैंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हुक वगैरह दिए गए हैं लाइक पीछे सामान वगैरह टांगने के लिए, ज्यादा लोड करके है, एडजस्टेबल लीवर आगे भी दोनों साइड, क्लच और ब्रेक। उसके बाद यहाँ पे जो अपना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर किसी और चीज का बटन नहीं, मतलब ट्रिप वगैरह देखने के लिए बटन दे रखा है जिससे आप ट्रिप 1 ट्रिप 2 ये सब चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से भी अपने पासिंग लाइट वगैरह, हाई बीम लो बीम इंडिकेटर यहाँ पे है, ये इसका हॉर्न है सिंगल काफी लाउड। अब इसके एक जो साउंड एक बार आप सुन लेना, सबसे पहले जो है ना एक गेयर आपको दिखा रहा है सेकंड गेयर, तो गेयर मीटर इसके अंदर आ गए जिसका मैंने कर लिया अभी न्यूट्रल। अभी आप साउंड सुनो भाई, बड़ी जबरदस्त ऐसी जो है ना बढ़िया साउंड इसके अंदर है। और भाई अब मीटर के बारे में बताओ ना, उससे पहले आप देख लो भाई नीचे हजार का बटन भी इसके अंदर आ चुका है। अब आप देखो भाई मीटर का जो ना कंप्लीट पूरा सेम, लाइक जो बीच में आपको क्लॉक मिलेगी ना बिल्कुल सेम है, 160 तक की मार्किंग है, 130 130 140 तक चली जाती है, वो भी जब भाई जब इसका इंजन बिल्कुल गर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजिटल जो मीटर आपको मिलता है, फ्यूल आप ये बताएगा भाई कितना फ्यूल है कितना फ्यूल नहीं है, ट्रिप मीटर यहाँ पे आ चुका है, इसमें आप टर्न बैटर्न नेविगेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ये अपना पूरा वार्निंग स्पीड वगैरह दिखा देगा। तो ये सारी चीज अब इसके अंदर, अब नई जो मैंने दिखाई ना नई चीज क्या है इसके अंदर, वही एलईडी सेटअप दे दिया,
एक नेविगेशन वगैरह की प्राइस वाला लगभग इसके 4,000 रुपये निगलिज कर दिए। पहले जो 2,20,000 रुपये 21,000 रुपये के आस पास आती थी एक्स शोरूम, अब 2,25,000 रुपये एक्स शोरूम चले गया भाई, तो 4,000 रुपये बढ़े। इसकी जो ऑन रोड प्राइस भाई 2,57,000 रुपये पड़ेगी। बाकी भाई ऑन रोड प्राइस आपके स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता भाई। तो ये था भी वीडियो में आज।